राधा वल्लव श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। आज वृंदावन में इस बार के लिए मेरी आखिरी सुबह है, तो जाहिर सी बात है कि मन तो बहुत ज़्यादा व्यथित है, और इसी व्यथित मन को लेके मैं पहुँच जाती हूँ श्रीहित केलीकुंज। पाँव जैसे मेरे हर क्षण में रुक से जा रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त कुछ देर तक श्रीहित केलीकुंज में बैठ के हमारे परम पूजनीय गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं, और उसके बाद अपेक्षा करते हैं आज एक बार के लिए मुझे दर्शन दे दे। जाने से पहले मैं एक बार उनका श्रीमुख देख लूँ, और इसीलिए हजारों दर्शनार्थियों के भीड़ में मुझ जैसा अधम भी खड़ा है गुरुदेव महाराज के सिर्फ एक झलक के लिए। कुल्लर के लिए ₹5 एक्सेल ले रहे थे, इसीलिए नहीं तो हमको कुल्लर में पसंद है। वही हर जगह ले रहे हैं, पहले तो नहीं लेते थे भैया जी। हाँ, विकास। ये भैया जी जिनका नाम विकास है, ये श्रीहित केलीकुंज के सामने ही ऑपोजिट फुट पे चाय बेचते हैं। इनका बिहेवियर मुझे इतना अच्छा लगा, जब हमने बोला कि कुल्हड़ के पैसे ज्यादा लगते हैं तो इसके लिए आप हमें प्लास्टिक कप में ही दे दीजिए, इन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम्हें कुल्हड़ में ही देता हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, उन्होंने बोला मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एनीवे, श्रीहित केलीकुंज को आखिरी बार देख के मैं अपने स्टे की तरफ लौट रही थी। आप समझ ही सकते हैं मेरे इमोशंस, लेकिन क्या करें, हर एक चीज इस दुनिया में परिवर्तनशील है, हम चाहे उसको मान पाए या ना मान पाए। जाते जाते थोड़ी देर के लिए ना मैं अपने स्टे के सामने खड़े होके गिलहरियों को देख रही थी और सोच रही थी ये कितने भाग्यशाली है जो ब्रज में पैदा हुए हैं और यही रहेंगे। और इतना सोचते सोचते ही मेरे दोस्त का चश्मा फिर से बंदर ने ले लिया, जो हमें फ्रूटी देके छुड़वानी पड़ी। और इसके बाद हमने पकड़ी ई रिक्शा, बहुत ही ज्यादा व्यथित मन लेके,
और फेक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए पहुंच गए मथुरा। और मथुरा में घुसते ही एक जगह मैंने देखा लिखा हुआ है आई लव मथुरा वृंदावन। सच बताओ तो आई लव वृंदावन ओनली। मथुरा आने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही कारण था कि मुझे कृष्ण जी की जन्मभूमि देखनी है। लेकिन इस जन्मभूमि को लेके जो केस और कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और इसी वजह से जब हमने वो कारागार विजिट किया ना जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है ये बोला जा रहा था, मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अगर ये द्वापर युग का कंस्ट्रक्शन है तो क्या एग्जैक्टली ऐसा होगा। थोड़ा सा तो कन्फ्यूज्ड मैं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद रेनोवेट करवा लिए होंगे इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअल प्लेस है ही नहीं, वो बस एक रेप्लिका है। एक्चुअल प्लेस को लेके तो केस चल रहा है और पता नहीं वो केस कब सॉल्व होगा। इतने में हम लोगों को लग गई थी भूख, तो मंदिर के एकदम ऑपोजिट ही एक वैष्णव भोजनालय है, तो वहाँ पे 100 रुपए में ना वैष्णव भोजन मिल रहा था। तो मुझे लगा कि मैं और मेरे दोस्त दोनों ही बहुत कम आहार करते हैं, तो हम लोग ना एक ही थाली लेते हैं। क्योंकि जब हमने पूछा और उन्होंने बोला कि एक थाली में 4 रोटी आएगी और चावल सब्जियाँ सब कुछ, तो हमें लगा कि कोई एक अकेला तो इस थाली को फिनिश नहीं कर पाएगा। तो हमने एक ही थाली ली और खाते खाते हमने देखा कि आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक ही थाली को शेयर करके खा रहे थे। बाय द वे, इस भोजनालय का खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मुझे सब्जियां और रायता ये सब पसंद है, तो वो फिनिश हो जाने पे जब मैंने रिक्वेस्ट किया उन लोगों ने रिफिल भी किया। तो इतने में मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लगा और रिमझिम बारिश होने लगी। और क्योंकि हमारे पीठ में बहुत ज़्यादा भारी लगेज था, हम लोगों ने पकड़ी रिक्शा और चले गए राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर। सच बताओ तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन वृंदावन में जो भाव और वाइब है ना वो और कहीं पे नहीं। क्योंकि मथुरा में ना कृष्ण को सारी ज़िंदगी कष्ट ही मिला है। जब पैदा हुए तब माता और पिता से बिछड़ जाने का कष्ट, उसके बाद जब उनके लिए एक के बाद एक राक्षस और राक्षसियाँ भेजी जा रही थी उसकी वजह से कष्ट, फिर जब वो बलराम के साथ अपने मामा कंस को मारने आए तब एक अलग तरह का कष्ट। तो इसके लिए ना कहीं लगता है जिस जगह ने मेरे प्रभु को इतना कष्ट दिया है उस जगह पे मुझे उतनी ज़्यादा वाइब फील नहीं होती। तो ये मेरा बिल्कुल ही पर्सनल भाव है, किसी को खराब लगे तो मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन एक बात है, द्वारकाधीश मंदिर का जो डेकोर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और मंदिर के अंदर बहुत सारे भक्तों को मैंने सेवा करते हुए देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ भी भगवान के सामने हमने अच्छे से हाजिरा लगा ली। बारिश में भीगते हुए ट्रैवल करने की वजह से हम लोग थोड़ा सा थक गए थे, तो मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा देर रेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद जहाँ भगवान ने युद्ध के बाद रेस्ट किया था हम लोग चले उस विश्राम घाट की तरफ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में विश्राम घाट पे। राधे राधे।